हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्टबुक सुपर कोचिंग। तो देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पिरेंट हैं जो एमएससी कर चुके हैं और वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दैट इज कॉल्ड बार्क, भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर आपके एमएससी के बेसिस पर आपको डायरेक्टली साइंटिस्ट रिक्रूट करता है। यानी कि अगर आप एमएससी पास हैं तो बार्क जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसको हम बोलते हैं ओसीईएस, या गेट के थ्रू भी यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और हमारा पूरा प्रोसीजर क्या होता है मैं उसको डिस्कस करूंगा। प्रोसीजर के साथ साथ में मैं डिस्कशन करूंगा सिलेबस को भी, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बस मैं ये बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग में कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एमएससी एलिजिबल होता है या बीटेक भी एलिजिबल होता है बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर, और डायरेक्टली आपको साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती है जस्ट आफ्टर एमएससी। तो इस एग्जाम के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ साथ में एग्जाम ये कब होता है वो बताऊंगा। अगर आप लोग लाइफ साइंस में इसको जो है अप्लाई कर रहे हो तो सिलेबस क्या है, जनरली सिलेबस कोई डिफाइन नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करिए। और मैं एलुमनाई भी हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया भी है इसके बारे में, ठीक है ना। एलुमनाई तो नहीं, पर मैंने बीच में छोड़ दिया था, बट आई नो दिस एग्जाम वेरी वेल, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया है, इंटरव्यू भी क्रैक किया है, ठीक है ना। तो जानते हैं इस चीज को, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, एक गूगल फॉर्म हमारा नीचे फ्लोट हो रहा है, अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरते हैं तो इस एग्जाम के अलावा जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, जो कोई स्टूडेंट देना चाहता है, अगर वो आपका पीएचडी करना चाहता है तो, या जैसे फेलोशिप के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीएसआईआर, नेट हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आपको जो है उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हमारा एक नंबर भी हाईलाइट हो रहा है, इस नंबर पर भी आप डायरेक्टली कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन हमारी, ये मेरा सीएसआईआर चैनल का लिंक है। मैं रोज फ्री क्लास लेता हूँ आप लोगों की, रोज में ही मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास लाइव रहती है आप लोगों के लिए, ठीक है। टाइमिंग मेरी है शाम को 5 बजे मैं आपको यूट्यूब पर मिलता हूँ और 6 बजे मैं आपको मिलता हूँ टेस्टबुक ऐप पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में वेलकम है आप लोगों का, आप वहां अपनी क्वेरी रखिएगा, मैं वहां आंसर करूंगा आप लोगों को। तो ये तो हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कशन मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। देखो ये जो एग्जाम है बार्क ओसीएस, ओरिएंटेशन कोर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो जो बच्चे लाइफ साइंस में मास्टर डिग्री हैं किसी भी स्ट्रीम से, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, किसी भी स्ट्रीम से आपका, इवन अगर हम लोग बात करें बार्क जो है लाइफ साइंस के अलावा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब में आपको देता है। मैं स्पेसिफिकली आपसे डिस्कशन करूंगा लाइफ साइंस को लेकर, लेकिन बाकी और स्ट्रीम में भी एग्जाम आपका होता है अगर आप मास्टर डिग्री हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम में बीटेक है तो आप एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक। इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि इस पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि जब आप इस एग्जाम को फिल करते हो, जो कि फॉर्म आ जाएगा आपका दिसंबर के एंड तक जनरली फॉर्म आ जाता है, और जनवरी, फरवरी, मार्च इन्हीं 3 महीनों के अराउंड जो है आपका एग्जाम भी हो जाता है जनरली, अगर हम पिछले कुछ पैटर्न को देखें। अदरवाइज पहले तो दिसंबर में एग्जाम हो जाया करता था इसका। एनीवे, अब उस बात से थोड़ा सा हटके बात करते हैं, प्रोसीजर क्या है हमारा। आप पहले एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो। रिटन टेस्ट अगर आप नहीं क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आप गेट में अगर आपकी एक अच्छी परसेंटाइल है तो आप एग्जेम्प्टेड होते हो उस रिटन टेस्ट से। आप डायरेक्टली जो सेकंड राउंड है यानी कि इंटरव्यू राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो दो रास्ते हैं, या तो आप वो एग्जाम क्रैक करो या फिर आप गेट में रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी अच्छी परसेंटाइल है, ठीक है, जिसके एक पर्टिकुलर परसेंटाइल की कट ऑफ होती है जिसके बेसिस पर वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है ना। कॉल करने के बाद एक इंटरव्यू होता है, मानते हैं कि इंटरव्यू काफी टफेस्ट होता है इसका, ठीक है, सिंस आई वॉज देयर इन इंटरव्यू और मैंने क्रैक भी किया है तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि हाँ इंटरव्यू का लेवल बड़ा अच्छा होता है। और अच्छा लेवल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। जो बच्चे क्रैक कर जाएंगे वो पर्सनली मुझसे मेरा टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद अच्छा क्या होता है, इंटरव्यू जब आप क्रैक कर जाते हो उसके बाद जो है आपका एक एक अप्रूवल आ जाता है। पहले तो जब जिस टाइम पे मैं था 2013 बैच में, तो उस टाइम पे तो ऑन स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाया करता था, लेकिन अभी रिजल्ट पब्लिश होता है। तो जब जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद एक रिजल्ट पब्लिश होगा उनका, फिर वही बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएंगे जाकर, ठीक है ना।
साथ साथ में उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, बिकॉज यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सैलरी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा आप लोगों का कि आप उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करोगे, तो वो मेडिकल जितने भी एक नॉर्म्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब को लेकर वो सब चीजें वहां रहेंगी आपकी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ज्यादातर प्रिफरेंस उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द एकेडमिक जिनकी फर्स्ट डिवीजन होती है, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड चीज है वहां पर कि थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए, टेंथ से लेकर आपके मास्टर डिग्री तक, यानी कि अगर सीजीपीए में बात करें तो 6 से अबव होना चाहिए, और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू जब आप उसके बाद मेडिकल वगैरह हो जाता है तो आप जो है शुरुआत में जाकर वहां पर एज ए ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर लगते हो, टीएसओ उनको बोलते हैं, ठीक है ना। और वहां पर एक उनका सेपरेट एक हॉस्टल भी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें रहेंगी, वो बाद में डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस के सिलेबस की बात करूँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी मुझे आती रहती है कि सर एक बार एटलीस्ट आप बताइए हमें कि लाइफ साइंस का सिलेबस कैसे रहता है। तो देखो कोई सिलेबस डिफाइन तो है नहीं हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे जहाँ से मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो सब्जेक्ट्स में अगर सीएसआईआर के सिलेबस से कंपेयर करें तो सीएसआईआर की शुरू की 4 यूनिट यानी कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी का एक्सटेंशन दी एंड 13 यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। मैक्सिमम क्वेश्चन बार्क के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग अब चूंकि यूनिट्स तो बहुत बड़ी बड़ी है तो फिर भी उसमें टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे प्रायोरिटी हम लोग देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक्स को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डीएनए डैमेज रिपेयर, दीज आर द टॉपिक्स जो मैक्सिममली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। एडिशन टू दैट हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहां पर, और वो है हमारा जीन रेगुलेशन। चाहे बैक्टीरियल सिस्टम की हम लोग बात करें, लैकोपेरोन, ट्रिपोपेरोन, या फिर हम लोग जो है लैम्डा फाज में बात करें, या फिर जो है हम लोग यूकैरियोटिक सिस्टम में जीन रेगुलेशन की बात करें, क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें भी रेप्लिकेशन में भी मेजरली आपकी मैकेनिस्टिक पार्ट से या फिर हमारे डिफरेंट एंजाइम्स के रोल, लीडिंग स्ट्रैंड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छे से होनी चाहिए आप लोगों को, चाहे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। अच्छा, ट्रांसलेशन में बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर ट्रांसलेशन बड़ा टॉपिक है, कैसे इसको तैयार करें। ट्रांसलेशन के केस में ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन यूकैरियोटिक सिस्टम का हो या फिर प्रोकैरियोटिक सिस्टम का हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इवन बाकी और एग्जाम्स भी हैं, तो अगर ट्रांसलेशन को आप तैयार कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन वाले पार्ट से सबसे मैक्सिममली क्वेश्चन आपके आए हैं, बाकी टर्मिनेशन वाले पार्ट से भी आते हैं। और साथ साथ में कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं या मॉलिक्यूल हैं जो ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमारा पूछी जाती है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पर भी क्वेश्चन आपका रहता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट रहता है इंपॉर्टेंट, वो हमारा है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में भी अगर हम लोग बात करें, सेल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो हो जाता है वो है हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन। मैक्सिममली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट सीडीकेस, डिफरेंट चेक पॉइंट्स, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट, क्या क्या उनकी प्रोटीन्स है, डिफरेंट प्रोटीन P21, P51, CAK, CDC25, ये CDC20, CDH1, ठीक है ना, TAM1, CDC14, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं हमारी। चाहे हम लोग बात करें फिर उसमें हेलिकेज वगैरह की, जितने भी हमारे, मेरी यूट्यूब पर आप लोग क्लास देखिएगा जरूर, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस कराया। उतना भी अगर आप लोग कर लेते हैं हमारे इस चैनल पर ही है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखेंगे जाकर अप टू मार्क चीजें कराई गई हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर भी क्वेश्चन बनता है हमारा, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन स्पेसिफिकली न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोक्सीसोम में, या हमारा सिक्रेटरी पाथवे जो होता है उसमें डिफरेंट सिग्नल्स क्या है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा एक जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है वहां एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारा सेल सिग्नलिंग, सेल जंक्शन, ये यूनिट 4 का हमारा जो है एक्सटेंडेड पार्ट है बच्चों। यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करें, वहाँ सेल सिग्नलिंग है, सेल जंक्शन है, इन सब के अलावा भी हमारे कैंसर है, अपोप्टोसिस है, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन करके इनको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं हमारे, और मेटाबॉलिज्म, ये तीन चीजें ऐसी हैं हमारी, स्पेसिफिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, और या फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें जो रेगुलेटरी रिएक्शंस हैं हमारी, किसी भी सपोज ग्लाइकोलिसिस में हमारी दो स्टेप्स ऐसे हैं जो मेजरली रेगुलेशन के अंडर में आते हैं, जैसे में जिसमें हमारा ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डिसफास्फेट में कन्वर्जन,
जिसको हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो रेगुलेट करता है या कराता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, पाइरुवेट काइनेज का रेगुलेशन कैसे होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है या फीडबैक काइंड ऑफ रेगुलेशन है, सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। उसी तरह जो हमारे टीसी साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है या डिकार्बोक्सिलेशन होता है या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उनके एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं, पूरा अच्छे तैयार करके जाइएगा। एंजाइम काइनेटिक्स की हम लोग बात करें तो माइकलिस मेंशन इक्वेशन या फिर लाइन वीवर बर्क प्लॉट या फिर एंजाइम इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत क्वेश्चन वहां से हमारे बनते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का ये हो गया हमारा। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें, आपको जो है इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी वहां मिलते हैं। इम्यूनोलॉजी में जैसे इनेट इम्यूनिटी है या एडेप्टिव इम्यूनिटी है या बाकी और टॉपिक जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन एमएचसी हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गई, इम्यून रिस्पॉन्स टू वेरियस पैथोजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करने चाहिए। यहाँ से बहुत बार हमारा जो है क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इनको आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये तो हो गए हमारे मेजर शुरू की 4 यूनिट के टॉपिक। इन 4 यूनिट के अलावा जहां से क्वेश्चन आता है लाइफ साइंस या थोड़ा बहुत जो है हमारे जनरल फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो 3-4 चीजें आप लोगों को और याद रखनी है इन सब के अलावा। अच्छा, कुछ टॉपिक और भी हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हमारे इसमें, ठीक है, जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि काम करते हैं लोग वहां पर। बार्क का मतलब ये नहीं कि वहां केवल न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च होता है आपका, वहां आपको एक बेसिक साइंस में रिसर्च भी मिलता है, चाहे कैंसर हो आपका या इवन प्लांट सिस्टम हो, वहां पर भी आपको जो है उसका रिसर्च मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये टॉपिक हमारे बचते हैं जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस है, एंडोक्राइनोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारा टेक्निक्स में फैक्स हो गया हमारा, ठीक है ना, एनएमआर हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा हमारा मैक्सिमम टाइम। इसके अलावा हमारा वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी, ठीक है ना, या एक नॉर्मैलिटी के सॉल्यूशन को दूसरे नॉर्मैलिटी के सॉल्यूशन में चेंज करना, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में जैसे हाफ लाइफ हो गया हमारा या हमारा एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में चेंज होता है जब हमारे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल निकलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी की यूनिट वो सब। हमारा बायोस्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी के अलावा मतलब सेंट्रल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, सेंट्रल टेंडेंसी पर क्वेश्चन आता है, मीन मीडियन मोड या डिफरेंट टेस्ट जो हमारे हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, लिख लेना इन टॉपिक्स को बच्चों, बहुत जरूरी है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्टिवली फॉलो करूंगा कुछ दिन तक इस वीडियो को, क्योंकि पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद कुछ दिन तक मैं इसको जो है फॉलो करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आप कमेंट करोगे और मुझे टैग करोगे, मैंने एक भी रिप्लाई किया और कर रखा होगा ना, तरीका क्या है कि अगर बहुत सारी पुरानी वीडियो हो जाती है तो मैं सब पर आंसर नहीं कर पाता बच्चों, क्योंकि मैं सारी वीडियो को तो नहीं देख पाऊंगा। उसका एक तरीका है कि मैंने वहां रिप्लाई अगर कर रखा है किसी प्रीवियस बच्चे को, उसी रिप्लाई पर अगर आप एक रिप्लाई करोगे तो वो मेरे पास एक नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, उसका मैं आंसर कर दूंगा। नहीं तो कोई 10 दिन 15 20 दिन पुरानी वीडियो अगर हो जाती है तो जनरली मैं उस पर इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, ना ही मुझे पता लग पाता है। तो तरीका यही है कि कमेंट में जो मैंने रिप्लाई अगर किसी स्टूडेंट को कर रखा है, आप उसी पर रिप्लाई करिए, उसका मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां मेरा नाम दिख जाएगा आपको, ललित पाल, ठीक है, वहीं पर करेंगे। इसके अलावा हमारा रीजनिंग पर क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स और एलजेब्रा पर क्वेश्चन बनते हैं हमारा मैथमेटिक्स में, डिफरेंट टेस्ट है मैंने बताया दिया, सेंट्रल टेंडेंसी है, अनोवा है हमारा, ठीक है, या फिर करंट जो डिस्कवरीज हैं साइंसेस उस पर भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यही चीजें हैं मैक्सिममली, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही एकदम पेशेंसफुली अभी एग्जाम में टाइम है, तैयारी करिए अपना, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहता है तो मुझे जो है जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, हमारा जो है एक कॉलिंग नंबर भी नीचे दिया गया है आप लोगों के सामने, आप यहाँ देखोगे तो कॉलिंग नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में आप जो है एक गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है, क्योंकि हमारा देखो हमारा जो इलाइट बैच है, इलाइट 2.0, वो रनिंग में है, कुछ क्लासेस हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, लाइव भी क्लास आपको मिलती है, तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं आगे आने वाले इसी के तरीके के और एग्जाम्स के, जैसे NII PhD का भी आया, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और CSIR है, ICMR है, DBT है, GATE है, सबके लिए अगर आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में क्लासेस और कंटेंट चाहिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा फालतू की बातें, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे बैच को, ठीक है। देखो इससे फायदा क्या रहता है आप लोगों को ना, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि अननेसेसरी की बहुत सारी बातें होती है, टू द पॉइंट रहिए, टाइम बहुत कम रहता है हमारे लिए, हमारे पास में वैसे ही, तो ज्वाइन जरूर करिएगा हमारा, डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी है। और अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये मेरा कोड होता है ललित पी,
इसको आप यूज कर लेंगे ना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्स के परचेज पर, बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को एंजॉय किया होगा। कोई क्वेरी रहती है आप लोग मुझे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।